यू आर वॉचिंग गली न्यूज। हेलो, कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुंब्रा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी नहीं। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तापित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यार आया। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गए हैं नमन करने के लिए? यू आर वॉचिंग गली न्यूज।